चारों तरफ से इतनी ज़्यादा ज्ञान की वर्षा होने के बाद अब अधिकांश लोग भ्रमित हो गए हैं, कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना और कैसे खाना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी एक अलग ही गाथा गाए चले जा रहा है। यह वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप स्वयं ही अपने शरीर के अनुसार इस बात का पता लगा सकें कि आपको क्या, कब, कैसे और कितना भोजन करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात अपने स्मरण में रखें कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का भोजन एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के शारीरिक रचना अलग अलग है, सभी के कार्य करने की और सोचने की क्षमता अलग अलग है, सभी की शारीरिक आवश्यकता और प्रकृति भी अलग अलग है। उसी प्रकार सभी का भोजन भी अलग अलग ही होना चाहिए। इसके लिए एक चार्ट तैयार किया गया है जिसमें प्रकृति के अनुसार वात, पित्त और कफ, किस व्यक्ति को कौन सा भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं वात प्रकृति की। जिन लोगों के शरीर में वात अधिक बढ़ा हुआ है या वात प्रकृति है, उन लोगों को ऐसा भोजन नहीं करना जिससे शरीर के भीतर वात बढ़े। जैसे गोभी, राजमा, छोले, आलू, भिंडी, बहुत ठंडी चीज़ें, इनका जितना हो सके परहेज करें या खाएं तो रात्रि के समय बिल्कुल भी ना खाएं, दिन के समय कुछ मात्रा में इनका सेवन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे शरीर में वात संतुलित रहता है या बढ़ा हुआ है तो वह कम हो जाता है, जैसे बहुत अच्छी औषधि है मेथी दाना, फिर दालचीनी, शुद्ध तेल, दूध, दही, छाछ, इनका सेवन किया जा सकता है। फिर इसके बाद जिन लोगों के शरीर में पित्त अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग पनीर, लहसुन, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, तीखे तले पदार्थ, इनका परहेज करें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो वह उसे संतुलित करती हैं, जैसे जीरा, हिंग, मिश्री, नारियल, देसी गाय का शुद्ध घी, यह सब चीज़ें शरीर में पित्त को संतुलित रखती हैं। अब जिनके शरीर में कफ अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग दूध, मलाई, चावल, केला, कुल्फ़ी, पनीर, ऐसे पदार्थों का परहेज करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़े हुए कफ को नियंत्रित करती हैं, मेथी दाना, गुड़, शहद, पान, हल्दी, लहसुन, अदरक, यह सब चीज़ें शरीर में बढ़े हुए कफ को संतुलित करती हैं। अब कैसे पता लगाएं कि शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है, या फिर इनमें से क्या चीज़ ज़रूरत से कम है या ज़रूरत से अधिक है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार किया जाएगा जिसमें आप अपने शरीर की प्रकृति को या शरीर किसके प्रकोप में है उसका पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, कब खाएं? तो इसका बहुत ही सरल समाधान है, जब भूख लगे उस समय भोजन ज़रूर करना चाहिए, परंतु जिस समय भूख ना लगी हो उस समय ज़बरदस्ती भोजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही भूख को शरीर के भीतर ज़बरदस्ती रोकें और ना ही भूख ना होने पर भोजन करें। जिस समय भोजन की शरीर को आवश्यकता है, समय समय पर शरीर हमें संकेत देते रहता है
कि अब शरीर में पानी या भोजन किस चीज़ की ज़रूरत है, तो अपने शरीर की आवश्यकता को, ज़रूरत को पहचानें, अनुभव करें और उसी के अनुसार भोजन या जल का सेवन करें। तीसरी बात, कितना खाएं। आयुर्वेद के अनुसार भूख से आधा भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर के अन्य अंग सहज रूप से अपना कार्य कर पाएं। जब हम भूख से अधिक या ज़रूरत से अधिक भोजन कर लेते हैं, उस समय शरीर में आलस्य का अनुभव होने लगता है, क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग गई। तो इतना भोजन ना करें जिससे शरीर की सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में ही लग जाए। भूख से आधा भोजन करें, जिससे शरीर के अन्य अंग भी सहज रूप से अपना कार्य कर पाएं। चौथी बात, कैसे खाएं। तो भोजन करने की जो आदर्श स्थिति है वह है ज़मीन पर बैठकर भोजन करना। स्वयं ज़मीन पर किसी एक आसन के ऊपर बैठें, किसी आरामदायक स्थिति में। भोजन थाल को एक पटरे के ऊपर रखें। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह, इन्हें धोकर भोजन ग्रहण करने के लिए बैठें। शास्त्रों के अनुसार और आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार भोजन करने की यह आदर्श स्थिति है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके अनेक प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आने वाली और वीडियो में स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।